हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड लर्निंग। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रोनाउन, जिसमें हमने तीन टाइप पढ़ लिए थे। अब पढ़ेंगे रूल नंबर फोर। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वीडियो स्लो है या फास्ट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो तो वहाँ पे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं रूल नंबर फोर का। तो क्वेश्चन क्या है, वन शुड रिस्पेक्ट फिल इन द ब्लैंक्स पेरेंट्स। ऑप्शन है ही इज अवर देयर योर वंस। बताइए क्या आंसर रहेगा इसका। वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स, क्या आएगा, हीज आएगा क्या? नहीं, आंसर आएगा वंस। क्यों? तो यही रूल है, अगर आपको सेंटेंस में वन दिखता है, ये जो दिख रहा है सब्जेक्ट वन है यहाँ पे और वर्ब है रिस्पेक्ट, तो इसके बाद जो भी आएगा वो क्या आएगा, एक तो वंस आएगा नहीं तो फिर वन आएगा। तो वंस कब आएगा, जब जब भी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस रहेगा। ऑब्जेक्टिव मीन्स ऐसा सेंटेंस जहाँ में जहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ें हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव मीन्स सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब। तो यहाँ ऑब्जेक्ट भी है, पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट, क्या आएगा वंस। यहाँ पे कभी भी हिज नहीं लिखना और ही भी नहीं लिखना, ही के जगह पे ही वन आ रहा है और हिज मीन्स ऑब्जेक्टिव के जगह पे वंस आ रहा है, ठीक है। रूल नंबर फाइव, अगर इट इज या फिर इट वॉज ऐसे दिखता है आपको सेंटेंस, तो प्रोनाउन हमेशा क्या यूज करना है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में क्या आता है, आई वी ही शी दे यू, ये है सब सब्जेक्टिव। तो क्वेश्चन देखिए, इट इज हु आई एम टू ब्लेम। ऑप्शन है आई मी माइन myself, क्या आंसर रहेगा बताइए। इट इज राइट है, यहाँ पे एम भी है तो एम भी राइट है क्योंकि सब आई से रिलेटेड ही है, तो क्या आएगा, इट इज आई रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने क्या बताया, इट इज अगर इट वॉज दिखता है तो क्या चाहिए, प्रोनाउन सब्जेक्टिव, और आई क्या है, सब्जेक्टिव है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ये ऑब्जेक्टिव है और ये पोजिशन शो कर रहा है, ठीक है। अब रूल नंबर सिक्स देखते हैं। रूल नंबर सिक्स, अगर आपको इफ वर्ब का सेंटेंस दिखता है तो जो भी प्रोनाउन रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सब्जेक्टिव। यहाँ पे भी प्रोनाउन हमेशा रहेगा सब्जेक्टिव। क्वेश्चन देखते हैं, इफ I would help you, ऑप्शन है him और he, तो बताइए क्या रहेगा इसका आंसर, if I were he रहेगा कि him रहेगा। यहाँ पे जैसे मैंने बताया प्रोनाउन क्या चाहिए, हमेशा सब्जेक्टिव। if का सेंटेंस है, I का भी sentence, I भी यहाँ पे है, I means were का भी सेंटेंस है, if were का सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, तो आंसर रहेगा ही। क्यों बताइए, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्टिव, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे वर्ड राइट है क्या। देखिए आप सोचोगे आई के बाद तो वॉच चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे वर्ड ही राइट है, क्यों, क्योंकि ये इफ का सेंटेंस है। जब भी आप कोई ये पढ़ोगे नॉवेल्स वगैरह या न्यूज़पेपर, तो उसमें ये हम बचपन में यूज करते थे इफ आई वॉज,
लेकिन राइट तरीका यही है इफ आई वर रूल नंबर 7, ये है ट्रिपल प्रोनाउन का, जिसमें आपको सारे प्रोनाउन दिखेंगे। तो आपको ये सीक्वेंस अगर दिख मीन्स आपको ये सीक्वेंस दिखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है? पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपको अगर ये सीक्वेंस दिखता है और यहाँ पे मिस्टेक है या फिर बैड वर्क है, जब भी आप सेंटेंस पढ़ोगे तो पता चलेगा सेंटेंस में मिस्टेक और बैड वर्क है कि अच्छा गुड वर्क का सेंटेंस है, ये आपको सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा। तो जब भी मिस्टेक और बैड वर्क दिखती है तो ये सीक्वेंस यूज करना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और अगर गुड वर्क दिखता है तो सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, ये सीक्वेंस यूज करना। क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। आई, यू एंड ही हैव डन अवर बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। बताइए आई, ये जो व्हाट्सएप ये फालतू की चीजें यूज करके शॉर्टकट में लिखने की आदत हो गई है, आई यू ही यहाँ पे हैव राइट है, प्लूरली चाहिए जब इतने सारे प्रोनाउन आ रहे हैं। तो ये सीक्वेंस बताइए क्या है, हैव डन अवर बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, क्या बता रहा है ये सब? ये सेंटेंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क क्या है, गुड वर्क है। तो हमें सीक्वेंस क्या चाहिए, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो सेकंड पर्सन क्या है इसमें, यू है, तो यू पहले चाहिए। थर्ड पर्सन क्या है, ही, तो ही चाहिए। बाद में क्या है, फर्स्ट पर्सन मीन्स आई। तो आपका आंसर क्या रहेगा, यू ही एंड आई हैव डन अवर बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। ये चीजें हमें पता ही नहीं है और कोई नहीं पढ़ाता ये चीजें, आपको यहाँ पे ही पढ़ने को मिलेंगी। और ये आपको पता है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या आता है? फर्स्ट पर्सन में आता है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, ये है फर्स्ट पर्सन। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं, जिसमें अगर बात करते समय हमारा खुद का भी कुछ प्रेजेंटेशन है, तब आई और वी यूज करते हैं, जो कि है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, यू, जब दूसरों के बारे में बात करते हैं, आगे वाले इंसान के बारे में, सामने वाले इंसान के बारे में, तब है सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन है, जब भी हम कोई भी दो व्यक्ति या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी तीसरे और किसी और के बारे में बातें करते हैं, तो है थर्ड पर्सन, जिसमें रहता है ही, शी, इट, दे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यू, ही एंड आई कमिटेड अ मिस्टेक टू अर्न मनी। ठीक है, आगे जो भी है रूल देखिए, कमिटेड अ मिस्टेक, पता चल रहा है मिस्टेक कर रहे हैं और बैड वर्क है। तो सीक्वेंस क्या चाहिए हमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट क्या है, आई, सेकंड है यू, थर्ड है ही। क्या है सही तरीका, आई, यू एंड ही, ये रहेगा आपका आंसर। समझ में आया इतना? अब रूल नंबर 8 देखते हैं। ट्रिपल पर्सन का देखा हमने, अब रूल नंबर 8 में डबल पर्सन का देखते हैं। डबल प्रोनाउन, डबल पर्सन, जो भी बोलो आप। अगर आपको फर्स्ट और थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर थर्ड और फर्स्ट पर्सन दिखता है सेंटेंस में, जो एंड के साथ, दो ही लोग हैं तो एंड के साथ ही कनेक्ट रहेगा, ऐसा दिखता है आपको, तो वर्ब तो प्लूरल ही रहेगा, क्योंकि दो नाउन है तो वर्ब प्लूरल रहेगा, ऑब्वियस है। और प्रोनाउन क्या आएगा, यहाँ पे आई भी है, मीन्स हम बोलेंगे तो
हमको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। प्रोनाउन में ये तीन चीजें आएगी अगर फर्स्ट और थर्ड पर्सन के बारे में बातें करते हैं तो, सेंटेंस में अगर ये दो चीजें दिखती है तो। और आपको सेंटेंस में अगर सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन एंड ऐसे कुछ दिखता है एंड से कनेक्ट होएगी, तब भी वो आप क्या करना है, प्लूरल ही लेना है। और यहाँ पे भी प्रोनाउन क्या आएगा, अवर, अवर्स, अवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट पर्सन है, मींस हम है। जब इमेजिन कीजिए सेंटेंस हिंदी का बना के देखिए, जब भी हम मैं ऐसे बात करते हैं तो हम बोलते हैं दूसरों को इंक्लूड करके हम, तो यहाँ पे भी अवर, अवर और अवर सेल्फ ही आएगा प्रोनाउन। तो इसका सेंटेंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, आई एंड ही हैज हेटेड अवर नेबरर। ठीक है, आई एंड ही है, दो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन। प्लूरल आएगा प्रोनाउन, सॉरी वर्ब प्लूरल आएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे, हैव आएगा। हेटेड अवर, अवर राइट है क्योंकि दो लोग हैं, और फर्स्ट और थर्ड पर्सन है, मीन्स ये सीक्वेंस राइट है, यहाँ पे एरर था। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई है ये फर्स्ट पर्सन और ही है थर्ड पर्सन। अगर मैं ऐसे लिखूँ ही एंड आई, फिर भी राइट ही है, ठीक है, ही एंड आई, यहाँ पे प्लूरल आएगा और अवर नेबर। अगर मैं लिखूँ यू एंड आई हैव डन माय बेस्ट, यू है सेकंड पर्सन और आई है फर्स्ट पर्सन, जो कि ये रूल है, रूल नंबर एट का फर्स्ट पार्ट, रूल नंबर एट का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। वर्ब क्या चाहिए, प्लूरल है वर्ब, प्लूरल, दो लोग है तो हैव प्लूरल राइट है, डन भी राइट है हैव के बाद। लेकिन यहाँ पे माय आएगा क्या, नहीं, प्रोनाउन क्या चाहिए, तो अवर चाहिए, अवर्स चाहिए या फिर अवर सेल चाहिए, क्या आएगा यहाँ पे, अवर, यू एंड आई हैव डन अवर बेस्ट। और एक रूल देखते हैं, इसमें रूल नंबर एट में थर्ड पार्ट, अगर आपको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन एंड से कनेक्ट दिखता है, सेकंड पर्सन इधर भी आ सकता है पहले जैसे, तो वर्ब क्या आएगा, हमेशा प्लूरल ही आएगा, लेकिन प्रोनाउन यहाँ पे चेंज होगी। प्रोनाउन क्या आएंगे, यूअर, यूअर्स या फिर यूअर सेल्फ्स। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे आए है क्या, हम तो बोलेंगे नहीं इसलिए अवर नहीं बोलेंगे, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है तो यूअर बोलेंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन है इसका, यू एंड शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क विद इन द वीक। हैव राइट है, प्लूरल चाहिए, थर्ड पर्सन है और सेकंड पर्सन है। कंप्लीटेड यहाँ पे हर आएगा क्या, नहीं, यहाँ पे क्या चाहिए, यूअर, यूअर। ठीक है, समझ में आया इतना। एक रूल नंबर नाइन देख लेते हैं क्योंकि बहुत छोटा रूल है और बाकी का कल पढ़ेंगे। अगर आपको बडी या वन, जैसे एवरीबडी, नोबडी ऐसे दिखता है बडी और वन के साथ कनेक्ट, तो हमेशा प्रोनाउन क्या आएगा, या तो फिर हीज आएगा या हर आएगा। क्वेश्चन देखिए, एवरीबडी हैज डन देयर वर्क। एवरीबडी मीन्स हर एक जन, ऐसे बोलते तो यहाँ पे प्रोनाउन ये प्लूरल नहीं आएगा, ही इज या हर आएगा, तो क्या आएगा, दो में से कोई भी आ सकता है,
इससे पता नहीं चल रहा है हमें लड़की है या लड़के, तो ही इज हर वर्क। और ये हमेशा सिंगुलर ही आएगा वर्ब, एवरीबडी के बाद में पढ़ाया था ये जो सिंटैक्स था उसमें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, कीप वॉचिंग।